काका, मैं जी यहाँ बलौदा बाजार जिला का रहने वाला हूँ अच्छा काका। आप मन जी हाँ आप मन अतेकन जो नौकरी निकाले हो काका, ओमा में यहाँ सहायक शिक्षक के एक पद ले हूँ अभी, और जेकर से मोर घर परिवार और सब खुश है, बहुत खुशहाल है, हर कोई खुशी है एकर से। और आप मन के जो इतना जो आप मन करा था हमारे लिए काका, ओकर लिए आप मन बहुत बहुत धन्यवाद काका, खूब बधाई। सरकार के ये धन्यवाद। भर्ती से निश्चित रूप से तुर घर परिवार ला आर्थिक रूप से संबल मिले, समाज में प्रतिष्ठा मिली, हाँ लेकिन बड़े जिम्मेदारी है कि छत्तीसगढ़ के लड़का मल्ल अच्छा से पढ़ाना है ना, तो वो जिम्मेदारी के काका, निर्वहन बहुत पूरा लगन के साथ आप ला करना है। ठीक है, हाँ काका, खूब बधाई। आओ काका, धन्यवाद काका। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी। हाँ जी नमस्कार सर, नमस्कार। आपके हाथ से आज 100 सहायक शिक्षकों को नियुक्ति आदेश। सौ शिक्षकों को नियुक्ति आदेश अभी मिलेगा, आपके हाथ से मिल रहा है सर। उसमें से लक्ष्मण पाठक जी आपसे बात करेंगे सर। विमल वंश कीर्ति, विमल वंश कीर्ति, विमल और विमल हो काम, कका नाम तागो सदा, पाठक करे प्रणाम। मैं प्रणाम। लक्ष्मण पाठक, यहाँ मेरा बसेलपुर में सिलेक्शन है। जी आपने जिस तरीके से सहायक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को शीघ्र पूर्वक त्वरित संपूर्ण किया है, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और आपने जिस तरीके से हमारे प्रदेश में योग्यता की कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ उस योग्यता को पहचानने वाले जामवंत की, और उस जामवंत को आपने नियुक्त किया है। अब हम आपके प्रदेश में उन हनुमान को निकाल करके ऐसा बनाएंगे, उनकी व्यक्तित्व विकास करेंगे कि प्रदेश का नाम न केवल देश में बल्कि संपूर्ण विश्व में लहराए परचम। मैं खूब आपके लिए बधाई। अंत में दो पंक्ति बोलना चाहूंगा। अच्छा वो और होंगे जिन्हें शिकायत है आपसे, वो और होंगे जिन्हें शिकायत है आपसे, वो और होंगे जिन्हें नफरत है आपसे, पर मेरी भी फितरत जान लीजिए कका साहब, हमें तो सिर्फ मोहब्बत है आपसे। हाँ क्या बात, कभी भी है भाई। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी नवनियुक्त शिक्षकों को, सहायक शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। थैंक यू। धन्यवाद सर। एक छोटी सी सूचना थी कि पहले शिक्षकों को 80-70% ये मिलता था, अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने 100% कर दिया। जोरदार तालियां एक बार इस सूचना पे। और अब इन पंक्तियों के साथ मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं कि प्रधान जी, आप हर चुनौतियों से बेखौफ होकर टकराते हैं, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए हर जरूरी कदम उठाते हैं। वो और होंगे जो वादा करके मुकर जाते हैं, आप जो कहते हैं उसे हर हाल में, हर सूरत में पूरा करके दिखलाते हैं। और इसीलिए शायद छत्तीसगढ़ की सरकार भरोसे की सरकार, इसीलिए छत्तीसगढ़ सरकार मुख्यमंत्री जी। आदरणीय शुक्ला जी, वर्मा जी, मुनीसरन जी, जैन जी और सभी जिलों से जुड़े हुए सभी हमारे अधिकारीगण, साथ ही बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत हितग्राहियों को, हितग्राही जो लाभान्वित हो रहे हैं सभी साथियों, साथ ही बहुत सारे आज नियुक्ति पत्र भी दिए हैं, प्रमाण पत्र दिए हैं, सभी को बधाई और शुभकामनाएं। आज जब हम योजना शुरू किए थे 6 महीना पहले, उस समय बहुत सारी शंकाएं थी, कुशंकाएं थी, बहुत सारी बातें थी, लेकिन जिस प्रकार से योजना को सफलतापूर्वक लागू किया गया, ऑनलाइन फॉर्म भरने की व्यवस्था की गई, या उसी प्रकार से बटन दबाते ही सबके खाते में पैसे पहुंचना शुरू हुआ, और लगभग अब बेरोजगारी भत्ता 1,35,104 हमारे शिक्षित बेरोजगार साथियों को आज 35,48,07,500 रुपये का बेरोजगारी भत्ता आज जारी किया गया। आप सबको बधाई।
आज मिला के लगभग 182,47,2,500 रुपया बेरोजगारी भत्ता दिया गया। मतलब पिछली सरकार 14 साल में 90 करोड़ दिया था, 6 महीने में उसे दुगुना हो गया, 182 करोड़ हो गया। तो सही ढंग से इसका लाभ लोगों को मिल रहा है और उसके साथ साथ हमारे साथी रोजगार ही न रह जाए, केवल बेरोजगारी भत्ता प्राप्त न करे बल्कि स्वरोजगार हो जाए, शासकीय नौकरी मिल जाए। इसके लिए लगातार कोचिंग का भी कार्यक्रम है, कौशल प्रशिक्षण का कार्यक्रम है, लाइवलीहुड कॉलेज है, पॉलिटेक्निक है, आईटीआई है, विभिन्न संस्थाओं में लगभग 7,464 लोगों को कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मैं तो अधिकारियों से कहूँगा ये आंकड़े शुरुआत में तो अच्छे लग रहे थे लेकिन अब बढ़ना चाहिए। केवल 7,000 जब 1,35,000 है तो कम से कम वो आंकड़े आधे के आसपास तो पहुंचना चाहिए। तो स्वरोजगार जल्दी से जल्दी हमारे युवा साथी प्राप्त करे, नौकरियां प्राप्त करे, तो ये हमारी कोशिश। और इसी प्रकार से आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारियों के 920 पद विज्ञप्ति किए गए थे, जिसमें से प्रथम चरण में 82 पदों के लिए नियुक्ति आदेश जारी किए गए। इस कार्यक्रम में 109 आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारियों के नियुक्ति आदेश भी जारी किए जा रहे हैं, साथ ही 6 छात्रावास अधीक्षकों के नियुक्ति आदेश भी आज जारी किए गए। तो इस तरह से लगातार भर्तियां चल रही है। 30,000 शिक्षकों की भर्ती, टोटल अभी 42,000 जो रिक्त पद है उसकी भर्तियां चल रही है। अभी कुछ शिकायतें बातें आई है पीएससी की, मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कोई भी व्यक्ति दोषी होगा उसके खिलाफ हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे, पहली बात तो सुन लीजिए। दूसरी बात यह है शिकायत मिले तो सही, अभी केवल पेपरबाजी चल रहा है, राजनीतिक दल के लोग बयानबाजी कर रहे हैं, अभी तक के कोई भी जो एग्जाम दिए हैं उसकी तरफ से कोई शिकायत मिली नहीं है। यदि शिकायत मिले एक एक शिकायत की जांच करवाऊंगा मैं, किसी का अधिकार छीनने का किसी को भी अधिकार नहीं। जब आप परीक्षा दिया ला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप में योग्यता है, आप पात्रता रखते हैं, तो उसका लाभ मिलना चाहिए। यदि कोई गड़बड़ी हुई है तो उसके खिलाफ जांच भी करेंगे, दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ हूँ, ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। लेकिन साथियों से, युवा साथियों से ये भी कहना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है, कौवा कान लेगे कि कोनो कहिस, तो कौवा के पीछे पीछे भागना ही है, पहले कान लटमर ले। कान अपन जगह में है तो कौवा कान लेगे कर कौवा के पीछे पीछे भागे ले, तो ये काम नहीं होना चाहिए। पहले कान ल देख ले हावे नहीं है तो भाग, और हावे काबर भाग गए। तो आज ही चलत है कि कौवा कान ले गए। तो अब पीएससी के रिजल्ट आए इतने दिन हो गए लेकिन हमारे परीक्षार्थियों के द्वारा कोई शिकायत नहीं है। शिकायत होगी मैं फिर से दोहरा रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं, यदि वाजिब शिकायत मिली, यदि साथियों ने शिकायत की, चाहे वो शिकायत गलत हो सही हो, सबकी जांच मैं कराऊंगा और दोषी पाने पर दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई भी करूंगा। तो इस मामले में निश्चिंत रहिए आप। लेकिन पहले आप देख लीजिए 2003-04 में पीएससी की परीक्षाएं हुई, रिजल्ट कब आया याद है आपको? उसकी शिकायतें भी हुई हाई कोर्ट में, उसके खिलाफ फैसले हुए, सुप्रीम कोर्ट में लटका है, तो आज तक लटका, जब फैसला आएगा तो उसमें भी कार्रवाई करेंगे। देखिए इस प्रकार कोई शिकायत मिली नहीं है। कहते हैं कि इस अधिकारी के पुत्र पुत्रियां हैं, उसका हो गया, तो किसी अधिकारी के पुत्र पुत्री होने पर कोई दोष नहीं है, उनको भी उतना ही अधिकार है जितना दूसरे के भी अधिकार है। लेकिन यदि उसके वजह से पुत्र पुत्री होने के नाते से यदि बेजा लाभ उठा रहे हैं तो निश्चित रूप से गलत है ना। तो यदि अधिकारी के बच्चे होने कोई गुनाह तो नहीं है। और लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं, यदि उन्होंने गलत ढंग से लाभ उठाया होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
ये बात मैं कहना चाहता हूँ। मैं छत्तीसगढ़ के बेरोजगार साथियों के नौजवानों की जो मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं और जो योग्यता रखते हैं, उसका हक नहीं मारा जाना चाहिए, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। तो इसमें किसी को कोई शंका नहीं होना चाहिए। मैं पुनः आप सबको बधाई और शुभकामना देते हुए अपने वाणी के विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत आभार सर। और मैं सचिव टोपेश्वर वर्मा सर से निवेदन करता हूँ कि वे आभार प्रदर्शन करें।